इस समय गैस मम्मी वो शादी वाली खाना बना दिया मम्मी ने। हाँ। मम्मी इस समय शादी वाली कैमरामैन बन रखी है, खाना खा रहे होते एकदम जूम मार के। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली मीनल में। तो आज मैं आपको शादी ब्याह में मिलने वाला हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। और देखिए कितना यमी लग रहा है ना ये। मम्मा सुनो। हाँ बेटा। अरे यार बड़ी ठंडी पड़ रही है, बहुत सर्दी हो रही है, तू से मीठा खाने को कह रहा है। क्या खाना है बच्चे को? गाजर का हलवा। अरे गाजर का हलवा, इतनी ठंडी में तुम मुझसे गाजर का हलवा बनवाओगे? मैं पढ़ भी तो रहा हूँ। हाँ ये बात तो है, पढ़ तो रहा है रुद्रांश और उसी का कहना मानना पड़ेगा। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं क्या? गाजर का हलवा। बिल्कुल, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि ठंड में तो यार ज्यादा काम करने का मन नहीं करता है। तो चलिए बनाते हैं हम गाजर का हलवा। ये और हाँ, अगर ये सिंपल सी इजी रेसिपी पसंद आए गाजर के हलवा बनाने की, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चले किचन में चलते हैं और बनाते हैं हम अपना झटपट सा गाजर का हलवा। और ये पता है हलवा रुद्रेश कैसा बनने वाला है? अच्छा। बिल्कुल जो हम शादी में खाते है ना वो वैसा वाला टेस्ट आएगा। अच्छा, मतलब शादियों में हलवाई जो होते हैं वो मम्मी से ट्रेनिंग लेके आते हैं? मम्मी से नहीं, ये है मम्मी ने लिए हलवाइयों से ट्रेनिंग। तो चलिए किचन में चलते हैं हम, ये तो ऐसे ही करता रहता है। मैंने 2 किलो गाजर लिए हैं और इन्हें छीलना है। तो मोटी ही गाजर आपको लेनी है, पतली गाजर नहीं लेना है, क्योंकि पतली गाजर में पानी ज्यादा होता है, इसमें जो है मोटी गाजरों में है ना थोड़ा सा रेशा ज्यादा रहेगा, तो इससे अच्छा हमारा जो गाजर का हलवा है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से करके हमें कद्दूकस से मोटी वाली तरफ से हमें कद्दूकस करना है। साथ के साथ हमें ये भी इसका जो डंठल है ये भी हटा लेना है। इस तरीके से आपको करना है, ये मैंने पहले ही कर ली थी तो मैं इनका भी डंठल हटा दे रही हूँ। और इन्हें अच्छे से वॉश करना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजर को कद्दूकस से कर लिया था, और कद्दूकस देखिए मैंने मोटा कद्दूकस से किया है। देखिए आप कैसा लग रहा है, एकदम बारीक वाले से नहीं करिएगा, नहीं तो हलवा ऐसा बन जाएगा, मतलब एकदम लुगदी सी बन जाएगी हमारा हलवा और अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने मोटे कद्दूकस से करा था तो अच्छा बन गया है। और इसका मैंने है ना थोड़ा सा पानी भी निकाल लिया था, थोड़ा सा हल्के हाथों से हमने दबा दबा के इसका हल्का हल्का पानी निकाला है। ज्यादा पानी नहीं निकालना है आपको, कि आप बहुत एकदम प्रेशर से लगा दो। अब हमें है ना इसको डालना है कढ़ाई में। तो गाइस यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को मैंने जला लिया है। तो अब हमें है ना इसमें ये गाजर डालनी है, और अब हमें है ना इसे 5 मिनट हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है, और अब हमें इसे चलाना है। आप अगर ध्यान रखिएगा तेज फ्लेम रखेंगे ना तो आप लगातार चलाते रहेगा, अगर आपको हल्की गैस पर रखना है तो थोड़ा बहुत आप 1-1 मिनट बाद आप चला सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा कि आपकी गाजर नीचे लगनी नहीं चाहिए। और बहुत इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ मैं, तो आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत आसानी से बनता है ये हलवा, क्योंकि अभी हमें इसका मॉइस्चर उड़ाना है। अभी तो देखिए कितना ऊंचा हो रहा है, अभी देखिएगा कितना थोड़ा रह जाएगा ये हमारा हलवा। तो यहाँ पर मैं 30-30 सेकेंड के लिए ढक करके पका रही हूँ, ताकि हमारी जो है ना गाजर देखिए गलने लगी है हमारी गाजर, तो इसे हमें तब तक पकाना है। ऐसी करके मैंने 3-4 बार करा है, पर ध्यान रखिएगा आप कि आपकी जो गाजर है नीचे से लगे ना। तो देखिए अब हमारी जो गाजर है 60-70% तक गल गई है, ये देखिए आराम से हमारी टूट रही है, कट रही है। अब मुझे है ना घी डालना है यहाँ पर 2 चम्मच, यहाँ पर 2 चम्मच भर के, मतलब आप जमा हुआ घी है तो आप देख सकते हो। बस अभी हमें इतना ही घी यूज़ करना है, ये नहीं कि आपको जैसे हलवाई बनाते हैं ना एकदम घी तैरता रहता है, बिल्कुल वैसे नहीं बनाना है। अभी इसमें ना घी तैरेगा ज़रूर, लेकिन आप देखते जाइए कैसे बना रही हूँ मैं, बहुत कम घी का इस्तेमाल करके। और इसे अभी हमें फिर से 5 मिनट के लिए ढक करके रख देना है, और गैस सिम पे रख ली हूँ मैं। ये हलवा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। अभी गाइस गाजर की जो है ना भुनने की खुशबू आ चुकी है, और मैंने 3-4 बार इसे ऐसे ही ढक करके पका लिया है 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में। तो हम हमारी जो फ्लेवर आ रहा है ना भुनने का घी पड़ने के बाद का, तो वैसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमें इस टाइम इसमें दूध डालना है,
तो गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम वाला जो दूध है वो डाल रही हूँ। ये देखिए, फुल क्रीम वाला हमें दूध डालना है। अब हमें आधे घंटे के लगभग सिम गैस पे इसे ऐसे ही ढककर रख दीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कहीं दूध बॉईल होकर का ना आ जाए, और आप इसे ना बीच बीच में चलाते रहिएगा, और चलाइएगा बहुत हल्के हाथों से, नहीं तो इसका जो लच्छा है ना टूट जाएगा और लुगदी सा बन जाएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। और अब मैं इसे ढक दे रही हूँ 25 मिनट के लिए, और बीच बीच में लेकिन मैं चलाती रहूंगी इसे। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी हो गई है हमारे हलवे की, मैं बीच बीच में चलाती रही हूँ उसे। और अभी हमारा है ना आधा दूध जल गया है, अब बस हमें 10 मिनट के लिए और पकाना है। अभी हमारे दूध को रखे हुए 20 मिनट हो चुका है, तो अभी हमें बस 5 से 7 मिनट और इसे रखना है। जब तक हमारा दूध जल रहा है तब तक हम यहाँ पर है ना अपनी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पर या फिर अपना खोया है, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब ले रही हूँ देसी घी। देखिए हमारा घी गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैंने ली है किशमिश, किशमिश की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तब ये मैं डाल दे रही हूँ, और किशमिश को है ना हमें जब तक ये फूल के एकदम नहीं हो जाती हैं, एकदम गुब्बारे जैसी हो जाएंगी, तब तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। ये देखिएगा, ये देखिए किशमिश हमारी फूलने लगी है। आँच जो है अभी मेरी सिम है, ये देखिए फूलने लगी हमारी किशमिश। तो अब हम इसे है ना किशमिश को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हम इसमें है ना डाल लेते हैं ये काजू थोड़े से, इनको भी हमें रोस्ट करना है। अब यहाँ डालूंगी मैं ये मीग होती है खरबूजे की, वो डालनी है हमें, और हल्का सा इसे रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसे डालिए और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, चटकती बहुत जल्दी है तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारी भुन रही है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर थोड़े से बादाम है, ये अब ये इसे मैंने कट कर लिया है, तो इसे भी हमें रोस्ट करना है 30 सेकंड के लगभग ही। हमें बादामों को लगता है या ड्राई फ्रूट्स को लगता है इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारे जो बादाम है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है हल्का हल्का, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं अब एक बर्तन में। ये देखिए इसमें दूध है ना अच्छे से सूख गया है, तो अब हमें इस स्टेज पर क्या करना है, यहाँ पर डालना है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के आसपास चीनी ली है, अगर आपको कम चीनी यूज़ करनी है तो कम कर सकते हैं, और ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा करिएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो गाइस ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं, तो अब मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा खोया और भुनना है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच घी डाला है, यहाँ पर 300 ग्राम के आसपास मावा लिया है यानी कि खोया, इसे हमें बस 1 से 2 मिनट सेकना है। आप इसे चाहें तो कद्दूकस करके डालिएगा या ऐसे ही डाल दीजिएगा। देखिए हमारा खोआ जो है वो भुन गया है अच्छे से, तो हमें एक्चुअली ज़्यादा नहीं भुनना है इसे। तो अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को, और अब आप देखिए हमारे इसका क्या हाल है हलवे का। तो हलवे में क्या हुआ है, जैसे मैंने चीनी डाली थी तो चीनी का पानी छोड़ गया है, तो अब हमें ना इसी में पकने देना है इसको। और अगर आप ज़्यादा चलाएंगे ना इस स्टेज पे तो आपका जो हलवा है ना वो थोड़ा सा जो उसके वो मोटे मोटे रेशे बने हैं ना वो टूट जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं चलाना है। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो हलवा है वो नीचे से लगे नहीं। तो अब हमें इसका जो शुगर है वो इसे तो सुखानी है। तो देखिए अब इसका पानी लगभग सूख गया है, तो अब हम इसे एक बार और चला लेते हैं। इसको चला के मैं दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल नहीं लगा है इसमें, और इसे हमें 5-7 मिनट और करना है ताकि हमारा जो ये पानी है और सूख जाए। तो अभी हमें इस स्टेज पर जो हमारी किशमिश थी ये डाल देनी है, ये डालनी है काजू, इधर हमें डाल देने हैं ये बीज, और यहाँ पे डाल देने हैं हमें अपनी बादाम, और अब हमें इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और गल जाए हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें साथ में। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें से जो भी स्किप करना चाहें वो कर सकते हैं, इसमें अगर आप नारियल डालना चाहते हैं तो नारियल भी डाल सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स का जो चॉइस होता है वो आपके अकॉर्डिंग रहता है। तो देखिए अब हमारा लगभग हमारा 80% हलवा बन गया है, इसमें बस हल्का सा पानी रह गया। आप इसे हल्का सा दबा के देखेंगे ना तो हल्का सा इसकी चाशनी आ रही है और घी निकल कर आ रहा है, बस तो इसे हमें 5 मिनट और भूनना है। ये देखिए, तो देखिए इसमें देखिए अपने आप ही घी निकल के आ रहा है, देखिए आप साइड से देखिए घी अपने आप ही ऊपर आ रहा है, ज़्यादा मैंने जबकि घी नहीं डाला है। हलवाई लोग तो बहुत सारा घी डालते हैं,
और इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आराम से मैंने इसे चलाया है, ज़्यादा देर मुझे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हमारा लगभग हमारा हलवा जो है वो बन गया है। तो अब हमें इसमें ना जो हमने अपना खोया भूना था, तो यहाँ पर मुझे है ना 75% खोया यूज़ करना है इसमें, बाकी का मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। खोया इसमें अच्छे से मिल गया है, तो अब मैं आपको इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालूंगी। यहाँ पर मैंने लिया है 70 ग्राम के आसपास पनीर, और इसे मुझे कद्दूकस करके डालना है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट इसका इतना अच्छा आएगा ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो हलवाई यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, तो और इसका टेस्ट जो आएगा दानेदार आएगा, बिल्कुल बढ़िया। इसमें अगर आपको इलायची का पाउडर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बढ़िया बन के आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस देखिए हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में उतना ही अच्छा बना होगा। अरे वाह मम्मा, अरे रुद्राज गाजर का हलवा। हाँ जी रुद्राज बन गया गाजर का हलवा। थैंक यू। हाँ रुको रुको ऐसे नहीं खाना, अभी मैं एक बाउल में निकाल के देती हूँ, फिर मुझे बताना कि कैसे बना है ये। मुझे तो अभी ऐसा मन कर रहा है कि घर का खाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं। कलर कैसा लग रहा है? अच्छा तुम ही बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। रेड रेड नहीं खाना नहीं है, अभी देती हूँ मैं। तो चलिए अब हम रुद्रांश को दे देते हैं खाने को। ये आ गया ये रुद्रांश, बताओ कैसा बना है खाके। तो गाइस ट्राई करते हैं। हाँ नहीं पहले आप खाओ। नहीं नहीं आप खाओ पहले, फिर मुझे एक टेस्ट कराना। देख के खाना, कहीं गर्म ना लगे ज्यादा, फूंक लेना। स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। स्मेल स्मेल मतलब खुशबू कहो ना। तो बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छे बने लग रहा है ना शादी वाला। ऐसा लग रहा है ना, देखें जरा। हाँ जी ये तो बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। इस समय गाइस मम्मी वो शादी वाली खाना बना दिया मम्मी ने। हाँ। मम्मी इस समय शादी वाली कैमरामैन बन रखी है, खाना खा रहे होते एकदम जूम मार के। हाँ। बिल्कुल वही बन रही ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम बहुत मजाक बनाने लगे हो मम्मा का। गाइस अब हमारी शेफ ट्राई करेगी। हाँ शेफ, शेफ को भी पता होना चाहिए ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा बना है, परफेक्ट मीठा बना है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और पनीर का स्वाद आपको कहीं से नहीं आएगा, सेम वैसे ही टेस्ट कर रहा है जो शादियों वाला होता है। तो आई होप सो गाइस ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं चलिए इसी तरह एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।